नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 9 हीट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए हम सबसे पहले हीट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हम कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे और कन्वेक्शन ऑफ हीट पढ़ेंगे और यहाँ पर रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हीट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या होती है, फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ओके। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। देखिए हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, ये जो स्पून आप देख रहे होंगे, आप सभी के घर में होगा जिससे सब्जी को चलाया जाता है, ठीक है। तो वो जो स्पून होता है, अगर आप उसको थोड़ी देर कढ़ाई में ऐसे रहने दें, फिर जब आप उसको छुएंगे ना, तो क्या होगा, ये गर्म हो गया रहेगा, इसका जो पकड़ते हैं ना हैंडल, वो भी गर्म हो गया रहेगा। क्यों होता है, क्योंकि देखिए हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए हीट कहाँ पे, मतलब इसको गर्म होना चाहिए ना, लेकिन ये कैसे गर्म हुआ, ये इसलिए गर्म हुआ क्योंकि हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए इसमें फर्स्ट वन क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो ये क्या होता है, पढ़ते हैं हम इसको। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए जब हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बर्नर है, ठीक है, और ये ना मेटल स्ट्रिप्स है, ठीक है, और ये क्या है, पिन्स है। ये जो आपको ये जो लाइन्स ऐसा दिख रही है ना, ये क्या है, पिन्स है। और इन पिन को कैसे इसके ऊपर, ये जो मेटल स्ट्रिप्स है, कैसे इनके ऊपर ऐसे खड़ा किया गया है, यहाँ पर ना वैक्स लगाया गया है, ठीक है, जिसकी हेल्प से उसको उस मेटल स्ट्रिप्स के ऊपर खड़ा किया गया है, ठीक है। तो फिर देखिए जब यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स है ना, अगर बर्नर को जलाया जाता है तो जब ये गर्म होती हैं, तभी आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, ये जो पिन्स है ना, ये जो वैक्स है, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो पिन्स है ना, वो नीचे गिरने लगेंगी। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट कैसे, देखिए हम स्ट्रिप के इस साइड को गर्म कर रहे हैं, है ना, लेकिन हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे ऐसे ये हीट, मतलब ये पूरा के पूरा गर्म हो जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस सो दैट अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए ये जो कंडक्शन ऑफ हीट है, ये कब होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस के थ्रू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का कंडक्शन होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही होता है, क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट, ओके। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो ये क्या होता है, पढ़ते हैं हम इसको। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, हीट इज ट्रांसफर्ड बाई मीन्स ऑफ करंट्स कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब हीट करंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा इस फिगर में, ये क्या है, बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस बीकर में हमने क्या डाला है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इस बर्नर को जलाएंगे और यहाँ पर जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, देखिए पानी गर्म होने की वजह से जो नीचे वाला पानी है ना, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो ऊपर का पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये आप कैसे देख पाएंगे, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो हमने डाला है ना, तो इसकी जो लाल बैगनी जो कलर होंगी ना, उससे आपको समझ में आएगा कि
जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, कन्वेक्शन कैन अकर इन लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंसेस, कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम। देखिए कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस में हो सकता है, और कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम, और कन्वेक्शन भी क्या होता है, एक मीडियम के थ्रू ही होता है, मतलब इसको भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है रेडिएशन। तो ये क्या होता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन, मतलब जब हीट का ट्रांसफर बिना मीडियम के होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। जैसे ये क्या है, सन है, और ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है, और आप सोचिए कि ये जो सन है, सन का जो हीट है वो कैसे अर्थ तक पहुंचता है, वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि देखिए जो इनके बीच में ना, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, यहाँ पे एयर भी नहीं है, नो मीडियम, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी जो सन का हीट है वो अर्थ तक आता है। एयर कहाँ पर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, यहाँ पर बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी जो सन का हीट है वो हमारे अर्थ तक पहुँचता है। इट मीन्स ये क्या है, रेडिएशन ऑफ हीट है। आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, जैसे आप ठंडी के सीजन में सब लोग आग जला करके बैठते होंगे, तो आग कहाँ पर होता है, आप यहाँ पर बैठते हो तो आग यहाँ पर होता है, आप उसमें थोड़े ना हाथ डाल के ऐसे फिर आग लेते हो, ऐसा नहीं होता है, आप थोड़े दूरी पर बैठते हो लेकिन फिर भी आप गर्म फील करते हो, क्यों, क्योंकि ये कब होता है, ये रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रेडिएशन भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हीट पढ़ा, क्या पढ़ा, हीट में हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। फिर हमने क्या पढ़ा कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल भी देखा। फिर हमने क्या पढ़ा, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें हमने कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कन्वेक्शन ऑफ हीट, फिर हमने पढ़ा रेडिएशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।